अनुजत्रे जी, ये जो बयान दिए जाते हैं चुनाव में, ये सच में जरूरी है या मजबूरी है? क्योंकि जनता जब ये मुद्दे आ जाते हैं तो फिर तो वो रोजी रोटी तो मांगती नहीं, शिक्षा की तो बात नहीं करती, फिर उन्हें लगता है कि नहीं पहले हम धर्म ही बचा लेते हैं। वो दोनों तरफ से है। मैं साफ ये बात कहती हूं, दोनों तरफ से इसलिए है कि एक होड़ सी शुरू हो गई है कि कौन कितने ज्यादा भड़काऊ भाषण दे सकता है, कौन कितने ज्यादा नफरती बोल बोल सकता है, कौन सा दल और उसके नेता कितने बड़ी हेट स्पीच दे सकते हैं, उसको उतना बड़ा शाबाशी मिलेगी, उतना बड़ा उसको तमगा मिलेगा, पार्टी में उतना बड़ा स्थान मिलेगा। यही हाल भारतीय जनता पार्टी की है, यही हाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का हाल। तो सोचिए आप, जिस देश में ये माहौल चल रहा हो, जहां की सियासत धार्मिक मसले पैदा कर रही हो, आप सोचिए उस देश का हालात क्या होगा। देश वो महान होता है कि जहां की सियासत धार्मिक मसले हल करे, लेकिन यहां तो सियासत की जो सत्ताधारी दल है वही धार्मिक मसले पैदा कर रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कारण है। ये 2014 से पहले इस तरह का माहौल हमारे देश में नहीं था, ये 2014 के बाद से लगातार ये देश में नफरती माहौल फैलाने का काम किया जा रहा है। और ये दोनों तरफ से, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों तरफ से कुछ इस तरह के लोग हैं, नफरती लोग हैं, जो देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल अपना सत्ता सुख पाने के लिए, केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए, केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए। अब उसमें एक नई एंट्री और हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको बी टीम कहा जा रहा है, वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जो कि कभी पंजाब का चुनाव भी इसी बात से जीती थी कि वहां पे खालिस्तान के उन्होंने पैर जमाने का काम किया है। अब गुजरात में और हिमाचल में जा रहे हैं तो वहां भी नफरती बीज बोल रहे हैं कि हमने देखा है किस तरह से केजरीवाल जी अब विकास की बात नहीं करते, क्योंकि विकास का जो झूठा मॉडल जगह जगह लेकर के घूम रहे हैं वो ज्यादा चल नहीं पा रहा है। झूठा मॉडल, झूठ का मॉडल, जो दिल्ली का एक झूठा मॉडल पेश किया था, उनको लग रहा है कि वो नहीं चल पा रहा है झूठ का मॉडल का कार्ड। तो बीजेपी जिस मॉडल से जीत रही है, बीजेपी जो नफरती मॉडल से जीत रही है, बीजेपी जो पोलराइजेशन करके जीत रही है, बीजेपी जो धर्म का एजेंडा चला करके जीत रही है, उनको लगा यही अच्छा शॉर्टकट है। जनता की नब्ज हो सकता है, उनको लग रहा है कि इसी से आराम से पकड़ी जा रही है और वही ठीक है। तू डाल में पद की राह पर अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी बोलती है, उनके नेता बोलते हैं, वही केजरीवाल जी और उनके पार्टी के नेता भी वही काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन क्या, मेरे को 10 सेकंड और दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या आज देश की जनता को यह सोचना नहीं आवश्यकता है? क्या हम लोगों का सोचने का यह दायित्व नहीं है? क्या क्या आप लोगों का यह सोचने की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस देश का माहौल क्या होगा, हम कहां किस दिशा में बढ़ रहे हैं, आखिर कहां पर जाकर ये चीजें रुकेगी? और देश की हालात जो लगातार बद से बदतर होती जा रही है, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था की हो, चाहे आप विदेशों में जो अपनी छवि की बात करते हैं, तो जाके पूछिए जरा, एक एक फर्जी छवि दिखा देना एक मीडिया और सोशल मीडिया के टॉपिक पर ही रहेंगे सर।